CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रेमचंद का बचपन और बच्चों की कहानियां। कहानियों में उभरा बीता हुआ बचपन, बातें थी बहुत सी, खुशियों की, मस्ती की, छेड़खानी की, शरारत की, दर्द की, रुलाई की, पीड़ा सह सह कर वो कह कहे लगाता रहा, जीवन की असलियत सबको दिखाता रहा। जो कुछ रचा था दिल को छू जाता है। खुद को कहता था कलम का मजदूर, वो कौन था? वो जी हाँ, ये बहुत साधारण निरा ठेठ देहाती आदमी कथा सम्राट प्रेमचंद है। कथा सम्राट प्रेमचंद की कृतियों का विश्व साहित्य में विशेष स्थान है। विश्व की अनेक भाषाओं में उनकी कृतियों को अनुदित किया गया है। प्रेमचंद के बचपन में आर्थिक विपन्नता और बहुत सी मुश्किलें थी, पर उन्होंने पढ़ने लिखने के जुनून को कम नहीं होने दिया। दिए की रोशनी में लिखना शुरू किया और फिर लिखते ही रहे। गांवों की आबोहवा, खेत खलिहान, वहां के रस्मों रिवाज और इन सब से जुड़े किसानी जीवन को उन्होंने अपनी कहानियों में उभारा है। गोदान, सेवा सदन, गबन जैसे उपन्यास लिखे, कफन, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं जैसी कहानियां लिखी, बच्चों के लिए ईदगाह और दो बैलों की कथा जैसी चर्चित कथाएं लिखी। आज हम प्रेमचंद के बचपन और बच्चों के लिए लिखी कुछ कहानियों के अंश सुनेंगे और उन पर बातचीत करेंगे। कुछ अलग सा होता है ना हम सबका बचपन। प्रेमचंद का बचपन का नाम था धनपत। चोरी कहानी में प्रेमचंद ने इसी बचपन को याद करते हुए लिखा, हाय बचपन, तेरी याद नहीं भूलती। वो कच्चा टूटा घर, वो पुआल का बिछौना, वो नंगे बदन, नंगे पांव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिर रही हैं। बचपन में कोई ऐसा भी था जो नन्हे धनपत को बहुत प्यार करता था। उसका नाम था कजाकी। इस पर उन्होंने कहानी भी लिखी। कजाकी एक डाकिया था। उसे देखते ही धनपत खुशी से पागल हो उठता, दौड़ पड़ता और एक क्षण में वो कजाकी के कंधे पर जा बैठता। कजाकी, कजाकी, कजाकी। अरे अरे मेरा प्यारा धनपत। चलो मैं नहीं करता तुमसे बात। अरे क्यों, क्या हो गया भाई? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। जानते हो कितनी दूर से दौड़ लगाता हुआ आ रहा हूँ। अरे तभी तो शाम हो गई। हाँ, पास के छोटे जंगल गया था तुम्हारे लिए एक उपहार लाने। ठहरो ठहरो, मैं दिखाता हूँ। रुको रुको, पहले पहले दिखाता हूँ। ये देखो, हिरन का बच्चा लाया हूँ तुम्हारे लिए। ये छोटा सा हिरन कितना प्यारा है। अच्छा लगा ना? अब तो नाराज नहीं होगे ना? नहीं। चलो, पर एक पहले शर्त माननी पड़ेगी। बोलो बोलो। अपने कंधे पे बैठा। अच्छा बैठ जाओ, तुम नहीं मानोगे। कजाकी हरकारे ने धनपत को ढेरों कहानियां सुनाई थी जो उसके नन्हे मन में कहीं दूर तक समा गई थी। धनपत जब 7 साल का हुआ तो माँ का देहांत हो गया।
पिता ने दूसरा विवाह किया। दूसरी मां धनपत को बात बात पर डांटती दुत्कारती और धनपत इस सब से बचने के उपाय खोजता। कभी पलटन की कवायद देखता, कभी रेलगाड़ियों के पीछे भागता। धनपत को गाड़ियों के आने जाने के समय का पूरा ज्ञान था। बचपन में मां को खोने का दर्द प्रेमचंद कभी भुला नहीं सके और इस कारण बहुत सी कहानियां और उपन्यास के पात्रों का जन्म होता रहा है। प्रेमचंद ने ये बात कहलाई कर्मभूमि उपन्यास के पात्र अमरकांत से। बचपन वो उम्र है जब इंसान को मोहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। उस वक्त पौधे को तरी मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। उस वक्त खुराक न पाकर उसकी जिंदगी खुश्क हो जाती है। मेरी मां का उसी जमाने में देहांत हुआ और तब से मेरी रूह को खुराक नहीं मिली। वो भूख मेरी जिंदगी है। धनपत की जिंदगी में शिक्षा की शुरुआत उर्दू फारसी सीखने से हुई। बोलो बच्चों, अलिफ अलिफ, बे बे, पे पे। धनपत धनपत। जी मौलवी साहब। तुम्हारा ध्यान किधर है? जी वो बेटा ध्यान दो। जी अच्छा। बोलो अलिफ अलिफ, बे बे। इसकी भी चर्चा प्रेमचंद ने चोरी कहानी में की है। मेरी उम्र 8 साल की थी। मैं अपने चचेरे भाई हलधर के साथ पास के गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं और न गैर हाजिरी का जुर्माना देना पड़ता था। फिर डर किस बात का, कभी कभी हम हफ्तों गैर हाजिर रहते पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना बनाते कि उनकी चढ़ी त्योरियां उतर जाती। फिर धनपत के पिता का तबादला गोरखपुर हुआ। अब धनपत का गुल्ली डंडे का खेल छूट गया। शहर के स्कूल में धनपत का पढ़ाई में मन लग गया। उन्हें उर्दू की कहानियां और उपन्यास पढ़ने में दिलचस्पी हुई। उस समय के विख्यात उर्दू के उपन्यासकार जैसे मौलाना शरर, पंडित रतननाथ सरशार, मिर्जा रुस्बा, मौलवी मोहम्मद अली आदि के उपन्यास और कहानियां जहां कहीं भी मिलते उन्हें धनपत जरूर पढ़ते। उन्होंने पुराणों के उर्दू अनुवादों का भी अध्ययन किया। इस पढ़ाई से उन्हें साहित्य रचने की प्रेरणा मिली। किताबों से उनका अकेलापन भरने लगा। अपनी पहली रचना में उन्होंने अपने लेखन की शुरुआत के बारे में बताया। उस वक्त उनकी उम्र कोई 13 वर्ष की थी। उन दिनों धनपत के घर एक दूर के संबंधी रहने के लिए आए। वो हजरत इन्हें बहुत तंग करते थे। उनके खिलाफ धनपत ने एक हास्य नाटिका लिखी। इस नाटिका द्वारा बालक धनपत का अपने कलम की ताकत से परिचय हुआ। धनपत अपने विद्यालय के एक साथी के घर रोज जाया करते थे। उसकी भी एक वजह थी। धनपत देखो, ये है फारसी में लिखी किताब तिलस्म होशुबा। बहुत मजेदार बातें हैं इसमें। दिखाओ जरा। लो देखो। अरे वाह, इस किताब के तो 2000 पन्ने हैं। मैं जरूर पढ़ूंगा। और हाँ, यहाँ हमारे पास इसके 17 भाग और हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा कहा जाता है मौलाना फैजी ने अकबर के मनोरंजन के लिए इन्हें तैयार किया था। अच्छा, तो धनपत अब से हम हर रोज इन्हें पढ़ा करेंगे। हाँ हाँ, जरूर जरूर, साथ पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। हाँ हाँ, रोज पढ़ेंगे। ठीक है, साथ पढ़ेंगे। इन्हीं दिनों रात में धनपत ने
दिए की रोशनी में कहानी लिखना शुरू किया। इसी बीच मात्र 15 वर्ष की उम्र में पिता ने धनपत का विवाह कर दिया। धनपत इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। कहानी जीवन सार में उन्होंने लिखा था, पांव में जूते न थे, देह पर साबुत कपड़े न थे, रुपए में 20 सेर के जौ थे। काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ता था, इम्तिहान सिर पर था और मैं बांस फाटक में एक लड़के को पढ़ाने जाता था। वहां से मेरा घर देहात में 5 मील दूर था। रात को खाना खाकर कुप्पी के सामने पढ़ने बैठता और न जाने कब सो जाता, फिर भी हिम्मत बांधे रखता। उन दिनों इन्हें काफी आर्थिक तंगी थी। जब एक दिन ये 2 रुपए पाने के लिए किताब बेचने दुकान में पहुंचे तो वहां एक सज्जन मिले। जरा वो किताब दिखाइए। ये लीजिए हेडमास्टर साहब। हाँ, अब जरा वो गोरकी वाली किताब। गोरकी वाली? हाँ गोरकी। हाँ ठीक है। ये लीजिए किताब, आप जो भी इसका सही मूल्य हो दे दें। ये किताब भाई ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए मिल सकते हैं इसके। 2 रुपए? हाँ जी ठीक है, लाइए। ये लीजिए जी। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्कार जी। सुनो जी। कहिए। लगता है तुम जरूरतमंद हो। कहाँ पढ़ते हो बेटा? क्या मैट्रिक पास हो? जी हाँ। अब नौकरी तो नहीं करनी है? कहीं नौकरी मिले भी तो। देखो मैं एक स्कूल का हेडमास्टर हूँ। हमारे स्कूल में एक सहायक अध्यापक की जगह खाली है, क्या तुम वह नौकरी करना चाहोगे? वैसे मासिक वेतन में 18 रुपए दिए जाएंगे, तुम्हें मंजूर है? जी हाँ बिल्कुल, मैं जरूर वहां नौकरी करना चाहूंगा। तो ठीक है, ये मेरा पता है, कल से आ जाना। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा नमस्कार। नमस्कार। इस तरह धनपत को नौकरी मिली। अब धनपत राय की लेखनी अच्छी खासी चलने लगी थी। धनपत को उनके चाचा प्यार से नवाब कहते थे। सन 1907 से इन्होंने नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया। पहली कहानी थी संसार का सबसे अनमोल रतन, जो कानपुर के उर्दू मासिक जमाना में प्रकाशित हुई। वो अनमोल रतन था खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे। महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! महात्मा गांधी की जय! उन दिनों देश में स्वाधीनता के लिए संघर्ष छिड़ा था। प्रेमचंद ने अपने लेखन से योगदान देना चाहा। उन्होंने देश प्रेम की कहानियां लिखी। ये कहानियां सन 1909 में सोजे वतन पुस्तक में नवाब राय के नाम से छपी। किताब को छपे 6 महीने हो चुके थे। उन दिनों प्रेमचंद हमीरपुर जिले के स्कूल में सब डिप्टी इंस्पेक्टर के रूप में तैनात थे। एक दिन रात में इन्हें वहां के अंग्रेज कलेक्टर ने बुलवाया। नवाब राय तुम्हारा नाम है? जी हाँ। यह किताब तुमने लिखी है? जी हाँ। इस तरह की और भी कोई किताब छपवाने वाले हो? जी नहीं हुजूर। झूठ बोलते हो। खैर मनाओ कि अंग्रेजों की अमलदारी है, वरना आज तुम्हारे हाथ कटवा दिए जाते। लेकिन जानते हो बगावत फैलाने वालों को क्या सजा मिलती है? गोली से उड़ा देते हैं। इन किताबों में आग लगा दो, यो छुटकारा नहीं मिलेगा। बेशक उस समय सोजे वतन पुस्तक की 600 प्रतियों का ढेर जला दिया गया। प्रेमचंद ने लेखन का रास्ता चुना था और वो इसी रास्ते पर चलने पर आमादा थे।
अब नवाब राय ने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद रख लिया और लिखना बदस्तूर जारी रखा। प्रेमचंद हंसी के ठहाके खूब लगाते थे। एक बार उर्दू भाषा के एक युवा कवि नाशाद प्रेमचंद से मिलने के लिए लखनऊ पहुंचे। उन्हें घर का तो ठीक से पता नहीं था। उन्होंने सड़क पर चलते हुए एक मटमैली सी धोती और बनियान पहने हुए भाई साहब से पूछा, महाशय क्या आप बता सकते हैं कि प्रेमचंद कहाँ रहते हैं? जरूर जरूर, बहुत खुशी से आइए मेरे साथ। जी, अब बस कुछ ही दूर पर है उनका घर। जी, आप यहां पर आराम फरमाइए, मैं उन्हें इत्तला कर देता हूं। जी जी जी, हाँ बताइए। अरे आप ही प्रेमचंद हैं? अब आप प्रेमचंद से बातें कर रहे हैं, फरमाइए क्या काम है? जी वो एक बार मुंशी प्रेमचंद को गुरुकुल के वार्षिक उत्सव पर सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए निमंत्रित किया गया। स्वागत समिति के लोग स्टेशन पर उनका इंतजार कर रहे थे, मगर वो नहीं आए। लोग वापस लौट गए। कुछ समय बाद प्रेमचंद जी आते दिखाई दिए। सभापति ने पूछा, क्या आप लखनऊ वाली गाड़ी से नहीं आए? मैं आया तो उसी गाड़ी से हूँ। वहां तमाम लोग मालाएं लिए किसी की तलाश कर रहे थे। मैंने सोचा कि वे लोग किसी बड़े आदमी का स्वागत करने के लिए आए होंगे, इसलिए मैं चुपचाप प्लेटफॉर्म से बाहर आ गया। प्रेमचंद ने बच्चों के लिए बहुत सी कहानियां लिखी। उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है ईदगाह, जहां नन्ना हामिद अपनी सारी इच्छाओं को काबू करके इंसानियत का जीता जागता उदाहरण बन जाता है। मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। हामिद दूर खड़ा है। तीन ही पैसे तो उसके पास हैं। ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। ग्यारह बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? तीन पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया, लाया क्या ये चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अमीना का मन गदगद हो गया। वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी।
इसी तरह एक अन्य कहानी बड़े भाई साहब में बड़े भाई का बड़प्पन छोटे भाई के संरक्षण में ही केंद्रित रहता है। महज 3 साल बड़े होने पर भी वो छोटे भाई को पढ़ने की ओर सारा ध्यान लगाने की हिदायतें देते रहते हैं। एक दिन हॉस्टल से दूर एक कनकौआ यानी पतंग लूटने छोटा भाई बेतहाशा भागा जा रहा था तो बड़े भाई से मुठभेड़ हो गई, जो बाजार से लौट रहे थे। देखो, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो ऐरा गैरा नथु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये विद्या आती है, समझे? वो जी बड़े भैया, वो इन लड़कों के साथ ढेले के कनकवों के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो? आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर कम कौए के लिए दौड़ रहे हो। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। हरगिज नहीं। देखो, मैं कनकौए उड़ाने से मना नहीं करता, मेरा भी जी चाहता है लेकिन करूँ क्या? खुद दे रहा चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर है, मुझे तुम्हारे इस कमकली पर दुख होता है। चुप हो जा। और फिर एक कटा हुआ कनकौआ उड़ता हुआ दोनों भाइयों के ऊपर से गुजरा। भाई साहब ने उछल कर उसकी डोर पकड़ी और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े और छोटा भाई पीछे पीछे दौड़ रहा था। ये कहानी बचपन की कितनी सारी यादों को ताजा करती है, बाल मनोविज्ञान की परतें भी खोलती है। ये कहानी हमारी रटंत शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत भी करती है, जहां आनंद की कमी है, वो आनंद जिसकी बचपन में बहुत जरूरत होती है। अपनी कल्पनाशीलता और रचना शक्ति से उन्होंने कहानियों को संवेदनशील बनाया है। प्रेमचंद का अपना मन क्या था? एक पत्र में उन्होंने उस समय के प्रतिष्ठित लेखक बनारसीदास चतुर्वेदी को लिखा था, मेरी आकांक्षाएं कुछ नहीं है, इस समय तो सबसे बड़ी आकांक्षा यही है कि हम स्वराज्य संग्राम में विजयी हों। धन या यश की लालसा मुझे नहीं रही, हां यह जरूर चाहता हूं कि 2-4 ऊंची कोटि की पुस्तकें लिखूं। मुझे अपने दोनों लड़कों के विषय में कोई बड़ी लालसा नहीं है, यही चाहता हूं कि वे ईमानदार, सच्चे और पक्के इरादे के हों। एक ही अकेला था, शोषित का, पीड़ित का, सच्चा हमदर्द बन लिख लिख कथाएं दर्द बयां करता था, घोषित कर खुद को मजदूर, कागज पर कलम वो चलाता था, जन जन को सजग किया करता था, एक अदद आदमी था वो। प्रेमचंद का बचपन और बच्चों की कहानियां। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। शोध, आलेख और कविता डॉक्टर कामिनी भटनागर, कलाकार अश्विनी वालिया, मंजू मैनी, रजत सेनगुप्ता, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, अशोक मलकानी, विकास, अरूप, मनीष और ईशान, ध्वन्यांकन बटीलैंग लिंगडो, निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी और गीतिका उनियाल, निर्माण निर्देशन एवं संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।